नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसी बातें की जिसकी चर्चा हुई, तो हम आप सबको जरूर सुनाएंगे किस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने घेरा है शिवराज सिंह चौहान को। कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को पहले भी धमकी दी थी, चुनौती दी थी कि दम है तो हमसे लड़िए बीते महीने, और ये महीना जून का महीना शुरू हुआ नहीं कि फिर से शिवराज सिंह चौहान भाजपा को लेकर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फंसे नजर आए, और अब वही शिवराज सिंह चौहान अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह फंसे हैं वो जरूर लोग जानना चाहते हैं। तो हम आप सबका टाइम वेस्ट किए बिना हुआ सीधे ले चलेंगे आपको रिपोर्ट की तरफ, जहां आप देखेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में महाभिड़ंत दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान पर बना हुआ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी बीते महीने, याद आपको दिलाना चाहेंगे, मई के महीने में सीएम शिवराज सिंह चौहान को खुली धमकी मिली थी और इसके बाद एक बार फिर से चर्चा हो रही है। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस के एक एमएलए ने जम कर देखा जाए तो खुली धमकी दी थी शिवराज सिंह चौहान को और कृषि मंत्री कमल पटेल को। कहा था कि दम है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े सीएम शिवराज या फिर कृषि मंत्री कमल पटेल। कांग्रेस विधायक की तरफ से चुनौती मिली थी, आपको याद हो मध्य प्रदेश में के खरगोन में कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने इस तरह की धमकियां दी थी। इसके बाद देखिए आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से शिवराज जो है मुसीबत में है, क्योंकि शिवराज जहां एक तरफ नजर आए हैं अलग हटकर काम करते हुए, तो वहीं देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को अपने निशाने पर लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सीएम को घेरते हुए नजर आए हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह की हम यहां बात कर रहे हैं। शिवराज देहरादून पहुंचे थे, घायलों से मिले थे और उसके बाद हालात पर बात करते नजर आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे नींद कैसे आ सकती है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, स्टेटमेंट दिया उन्होंने उत्तराखंड उत्तरकाशी बस दुर्घटना को लेकर। और इसके बाद आप सबको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो हुआ उस पर वो काफी तकलीफ जाहिर करते नजर आए और इसके बाद ठीक उसी के बाद देखा जाए तो उत्तराखंड से उनके लौटने से ठीक पहले देखा जाए तो बड़ा सवाल किया है इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, उनकी बात करना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह ने जो है सो बीजेपी को एक बार फिर से घेरा है, यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह पर निशाना साधते नजर आए हैं। बुरी तरह दिग्विजय सिंह ने अपनी आवाज उठाई है और ये आप सबको बताना चाहेंगे, भाजपा से निष्कासित नवीन जिंदल और निलंबित नुपुर शर्मा के बहाने दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा, साथ में भाजपा के सभी नेता मंत्रियों पर निशाने साधे और उन्होंने कहा देश में नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है और ये बात अब सामने आ गई, यानी कि दिग्विजय सिंह के आगे कहीं ना कहीं शिवराज को झुकना पड़ा। जिस तरह का हालात नुपुर शर्मा को लेकर भाजपा की तरफ से बना हुआ है, सुनिए जरा दिग्विजय की बातें जिनके आगे शिवराज को झुकना पड़ रहा है क्योंकि हालात वाकई में नफरत से भरे देश में काफी देखने को मिले। यार असल बड़ी अहम बैठक हुई, राहुल गांधी भी मौजूद रहे, क्या कुछ तय हुआ है भारत जोड़ो अभियान को? जैसा कि आपको मालूम है कि चिंतन शिविर में ये बात सामने आई थी कि जिस प्रकार से देश को नफरत की राजनीति में झोंक दिया गया है, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई थी, उसी प्रकार की पॉलिसी से आज भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। तो आज जिस प्रकार से भारत के संस्कार संस्कृति और हमारे इतिहास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आवश्यक हो गया है कि हम कांग्रेस पार्टी देश की अनेकता में एकता को विशेष तौर पर हम लोग अभियान के रूप में चलाएं और उसकी आज ये पहली बैठक थी। दो अक्टूबर से ही होगी और पूरे देश में होगी।
उसके डिटेल्स वर्कआउट करने के लिए रूट क्या होगा, कौन उसमें शामिल होंगे, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कैसे शामिल होंगे, इन सब बातों पे चर्चा अभी होनी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही यात्रा निकाली जाएगी, कांग्रेस के नेतृत्व में होगी ये पूरी यात्रा। सर ये सर, इसमें जैसे कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रहा है वो भी मसला इसमें शामिल है? देखो क्यों हो रहा है टारगेट किलिंग, जब जब गैर कांग्रेसी सरकार आती तब टारगेट किलिंग क्यों होता है? 90 में भी हुआ और अब भी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं है ना, जिस प्रकार से देश में नफरत की राजनीति आज चल रही है, आज देश की अनेकता में एकता ही सबसे प्रमुख हमारा उद्देश्य है। वी आर इंडियंस फर्स्ट, हम पहले भारतीय हैं, बाकी बात अलग है।